ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार। घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे हों। आज हम इस वीडियो में एक जबरदस्त उपाय दे रहा हूँ। अगर इस उपाय को आप समझ लेते हैं तो घर बैठे बिना पूजा पाठ के आप अपने किस्मत को, भविष्य को चमका सकते हैं। और ऐसा उपाय है कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो साथियों, यह कौन सा उपाय है? यह उपाय अपने अंगुलियों के नाखून के हैं। इस नाखून के द्वारा आप अपने किस्मत को चमका सकते हैं और इसी नाखून के द्वारा अपने भाग्य को बिगाड़ भी सकते हैं। और जानकारी नहीं होने के कारण जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है। तो मित्रों, हम लोग क्या करते हैं, नाखून को कहीं बैठे बैठे काट लिए, नाखून वहीं छोड़ दिए, या घर पर काटते हैं तो नाखून काटने के बाद वहीं लोग छोड़ देते हैं। जब झाड़ू बहारू होता है तो वह कचड़े में नाखून चला जाता है, और जब कचड़ा इकट्ठा होता है तो माचिस बार कर उसको लोग जला देते हैं, यह नाखून उसी में जल जाता है। तो मित्रों, इसका प्रभाव बहुत गंभीर रूप से पड़ता है। सबको मालूम है कि इस नाखून के द्वारा बड़े बड़े तांत्रिक टोटका प्रयोग किए जाते हैं, इसके भस्म भी जलाए जाते हैं और अन्य शत्रु के लिए भी किया जाता है। तरह तरह के उपाय हैं। तो मित्रों, यह नाखून के अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है कि यह भविष्य को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हम बिना पूजा पाठ तंत्र मंत्र के नाखून के द्वारा अपने भविष्य को चमकाऊं, किस्मत को बदल लूं और हमारे शरीर से सभी संकट परेशानियां दूर हो जाए, तो इस उपाय को आप अच्छी तरह से समझें। यह प्रयोग सिर्फ अपने अंगुली के नाखून के द्वारा है। तो मित्रों, इसके लिए आपको अपने नाखून को भूल कर भी मंगल और शनि में नौ काटें। अगर अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं, तो बुधवार और शुक्रवार ये दो दिन में, किसी एक दिन में आप अपना नाखून काटें। और काटने के बाद सभी नाखून को एक जगह इकट्ठा करें, या आप नीचे पेपर को लगाएं, पेपर रख के तब नाखून काटें ताकि एक भी टुकड़ा छूटने न पाए। अगर इस विधि से आप करते हैं तो खुशहाल बनना ही बनना है। और इस नाखून को इकट्ठा करके किसी बरगद वृक्ष, यानी बट वृक्ष, हिंदी में बरगद बट वृक्ष कहा जाता है, उसके नीचे लाकर आप जड़ के नीचे गाड़ दें, थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें डाल के मिट्टी डाल दें,
तो मित्रों, अब बहुत से लोग कहेंगे कि वट वृक्ष क्या होता है, जो जानते हैं वो तो जानते हैं, बरगद क्या होता है। तो ये देखिए पीछे में ये वट का वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है, उसी के सामने मैं आगे वीडियो बना रहा हूं। तो यह विशाल वट वृक्ष है जी, तो वट वृक्ष के शाखा निकलती है जी रस्सी के जैसे, पतली पतली मोटी मोटी। तो वह जमीन में आकर वह जिसको जटा बोलते हैं स्पर्श करके जमीन में घुस जाती है और वही मोटा मोटा शाखा भी बन जाता है। तो वट वृक्ष का कोई और नहीं, यह इतना बढ़ने वाला वृक्ष है कि इसे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता, जितने नीचे उतने ऊपर। तो आप अगर इस उपाय को जब जब भी अपना नाखून को काटते हैं और इसी विधि से ले जाकर उस बरगद वृक्ष के जड़ के नीचे दबाते जाते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। जैसे वट वृक्ष को कोई रोक नहीं पाता है, उसी तरह से इस उपाय से आपको भी कोई रोक नहीं पाएगा। आप बनेंगे एक दिन धनवान, लेकिन यह प्रयोग को जब जब भी आप नाखून काटते हैं तब तब करना है। ऐसा नहीं कि दो बार याद आया तो किया, उसके बाद भूल गया, तो नहीं होने वाला है मित्रों। और वही लोग तुरंत कमेंट में लिख देते हैं, तो मैं कई बार कर लिया, ठीक है आप जैसा किए होंगे वैसा उसका फल मिलेगा। तो मित्रों, यह एक नाखून और वट वृक्ष का उपाय से आप बिना पूजा पाठ तंत्र मंत्र के अपने सोए हुए भाग्य को भी जगा सकते हैं, किस्मत को चमका सकते हैं, और आपके हाथों पैसे आएंगे और इस हाथों से जो भी कार्य करेंगे वह सफल बनेगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। तो मित्रों, अपने नाखून से भाग्य को बना भी सकते हैं, भाग्य को बिगाड़ सकते हैं, यह ऐसा एक प्रयोग है। तो मित्रों, नाखून को जब भी काटें, अगर भाग्य को चमकाना है तो बताए गए अनुसार अगर करते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी आपको आगे बढ़ने से। तो मित्रों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।